हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा की सीबी यूनिकॉर्न 160 सीसी की बाइक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब करने का बटन मिल जाएगा, वो बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, उसको दबा दीजिए आपको, और उसके पास में आपको एक घंटी का बटन मिलेगा, आप उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये पता चला है कि कई लोग वो घंटी का आइकन नहीं दबा रहे हैं, घंटी का बटन नहीं दबा रहे हैं, तो उनको जैसे ही नया वीडियो कोई अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो ये ज़रूरी है कि आप वो घंटी का आइकन दबाएँ। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज नहीं देखे तो आप वो वीडियो देखिए। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के बारे में। आपने अभी तक गाड़ी का आउटलुक तो देख ही लिया होगा। गाड़ी की बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसकी गाड़ी की जो लेंथ है वो है 2045 mm की। गाड़ी की चौड़ाई जो विड्थ होती है वो है 757 mm 757 mm की। जो हाइट है वो है 1062 mm 1062 mm, और व्हील का जो बेस है वो है 1324 mm। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 150 mm है, जो थोड़ा कम है सीबी शाइन 125 सीसी से कंपेयर करें तो। और गाड़ी का जो वेट है अगर आप स्टैंडर्ड ब्रेकिंग सिस्टम में ले रहे हो तो 134 किलोग्राम रहेगा। अगर आप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में ले रहे हो तो इसका वेट रहेगा 136 किलोग्राम। और दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बाइक ले रहे हैं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही लीजिए। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है अगर आप सामने का ब्रेक दबा रहे हैं या फिर पीछे का ब्रेक दबा रहे हैं तो थोड़ा जो आगे का पीछे का ब्रेक है वो एक साथ दबेगा। और आप देख सकते हैं इसका जो मीटर है, जिसको ऑडोमीटर बोलते हैं, वो है फुल्ली डिजिटल मीटर है। और इसमें एक ही चीज़ की कमी रह गई, वो है इसका गियर शिफ्ट का इंडिकेटर। इसमें आपको गियर शिफ्ट का इंडिकेटर नहीं मिलेगा, बाकी की चीज़ें सब दी गई है डिजिटल मीटर में। और आप देख सकते हैं इनकी बटन्स की जो क्वालिटी है, स्टार्ट करने का बटन और इंडिकेटर्स का, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको पता ही है होंडा की गाड़ी की क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर की गाड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है। और आप सीट जो आप देखेंगे अभी, जो सीट बहुत ही अच्छी है, और एक सिंगल सीट है, मतलब डिवाइडेड सीट नहीं है, एक ही सिंगल सीट है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सीट और गाड़ी का कलर बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको। इसके अगर मैं टायर्स की बात करूं तो आपको पीछे का टायर मिलेगा 80x100 17 इंच का, और सामने का मिलेगा 110x80 17 इंच का। ट्यूबलेस टायर है। डिस्क ब्रेक मिलेगा आपको सामने के टायर में, आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा जिसका साइज है 240 mm, और पीछे का ड्रम ब्रेक है जिसका साइज है 130 mm। और इसमें दो वेरिएंट है, एक विदाउट CBS मतलब बिना CBS के, और एक विद CBS। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया, और आप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही ले लीजिए। आप सामने का देख सकते हैं, आपको फ्रंट ब्रेक, आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा है। और इसके सस्पेंशन की बात करूं तो आपको इसको सामने का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा जो नॉर्मल बाइक्स में आता है होंडा की, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो है हाइड्रोलिक। इसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, एक ही सस्पेंशन होता है, गाड़ी के नीचे होता है वो सीट के नीचे। और ये थोड़ा, इसको हम मोनोशॉक भी बोलते हैं, और थोड़ा गाड़ी कंफर्टेबल है। अगर आप कंपेयर करें दूसरी बाइक से 160 सीसी सेगमेंट में तो ये गाड़ी थोड़ा कंफर्टेबल है। और आप देख सकते हैं इसका साइलेंसर बहुत ही क्यूट दिख रहा है, ऊपर क्रोम का प्लेट भी दिया गया है, ऐसा लगता है कि स्टील का है लेकिन ये क्रोम प्लेटेड है। आप और सेम क्रोम का जो कलर दिया गया है वो पीछे के मोनोशॉक सस्पेंशन में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है गाड़ी का, सामने का जो मैंने बताया आपको इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और ज़्यादा मतलब अगर पीछे की सस्पेंशन की हम बात करें तो ठीक ठाक ही है। और इंजन की अगर बात करें तो एयर कूल्ड इंजन है भाई, 4-स्ट्रोक इंजन है, BS4 का है, 163 सीसी का इंजन है, जिसमें आपको मिलेगा 13 और आई कैन से 14 BHP का पावर मिलेगा। और जो खींचने की ताकत है वह है 13.92 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM, और हॉर्स पावर 8000 RPM पे आपको मिलेगा। इसकी हेडलाइट आप देख सकते हैं कि बैटरी 12 वॉट्स की है, और हेडलाइट 35 वॉट्स का जो बल्ब है, ये लोग फिलिप्स का या कुछ बल्ब देते हैं। इसके गियर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिलेंगे 5 गियर। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग गाड़ी अभी तक ले चुके हैं उनके मुताबिक गाड़ी का गियर उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जो होंडा के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। और इसमें आपको एंकल टो गियर शिफ्टर मिलेगा, ये गाड़ी 106 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकती है। और अगर आप बात करें गाड़ी के
ट्रांसमिशन की कि ये उतना अच्छा रहेगा जितना होंडा की दूसरी बाइक्स रहती है, तो मैं बोलता हूँ उतना अच्छा नहीं रहेगा। इंजन के मुकाबले 160 सीसी की बाइक के लिए ये गियर शिफ्टर और ये गियर है उतना स्मूथ नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए और उसके बाद में ही गाड़ी को लीजिए। गाड़ी में आपको एक किक का सिस्टम मिलेगा, जैसे अगर सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सेल्फ से, तो आपको किक का सिस्टम भी मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर का, और 12 लीटर टैंक बहुत ही अच्छा है बाइक के लिए। उतना अच्छा भी नहीं अगर आप कंपेयर करें दूसरी बाइक से, तो 12 लीटर का कम ही है, लेकिन ठीक है। माइलेज के हिसाब से अगर बात करें तो माइलेज आपको इसमें मिलेगा 60 से 62 किलोमीटर तक मिलेगा आपको। और टैंक आप देख सकते हैं मेटालिक ग्रे कलर में कितना अच्छा लग रहा है बाइक के ऊपर, और एक अच्छी सी शेप दी गई है गाड़ी से मैच करने के लिए। आपको नीचे जो ये वेंट दिख रहे हैं हवा के, ये खाली दिखाने के लिए है, इसमें ना कोई हवा पास होती है ना कुछ। और आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी का नाम लिखा है, सीबी यूनिकॉर्न 160 स्टिकर दिया है जो वाइट और रेड कलर में दिया है, और टेल लाइट अच्छी दिखती है गाड़ी की शेप के हिसाब से। इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, जो अगर आप एक्सीडेंट भी हो गया तो गाड़ी के इंडिकेटर टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स है। और आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये टैंक पे कलर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गाड़ी की प्राइस का, कितना कॉस्ट आपको कितना पे करने पड़ेगा ये बाइक को खरीदने के लिए। तो आपको दोस्तों बता दूं मैं, ये बाइक का स्टार्टिंग प्राइस है 75,339 रुपीज़ एक्स शोरूम, और ये दिल्ली का है। तो आप अगर कोई दूसरे स्टेट से आप रहते हैं तो थोड़ा बहुत 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। और ये BS4 कंप्लाइंट इंजन है। तो बात ये आती है कि भाई ये गाड़ी मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। भाई 160 सीसी की बाइक, 60 किलोमीटर का माइलेज और 13 से 14 BHP का पावर में गाड़ी बहुत अच्छी है, और आप ये गाड़ी को आराम से खरीद सकते हैं। और आप अगर देखेंगे इसमें आपको 5 कलर भी मिलेंगे, डिफरेंट कलर मिलेगा, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो कलर आपको दिख रहा है ग्रे मेटालिक, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाड़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी की हर चीज़ के साथ सूट करता है। तो दोस्तों इतना ही आज इस बाइक के बारे में। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और कोई दूसरी बाइक का रिव्यू करूं, या फिर आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं उसका, माइलेज का डिटेल्स बताऊं, तो आप मुझे कमेंट पर मेंशन कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको एक घंटी का आइकन है वो ज़रूर दबाइए, नहीं तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और कमेंट में मेंशन कर दीजिए कौन कौन ये बाइक को ख़रीद रहा है, और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेंशन कर दीजिए वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।